हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही यूनिक चाट रेसिपी जो है आलू बॉम। तो लेट्स सी द इंग्रेडिएंट्स। तो मैंने यहाँ पे आलू को बॉईल करके अच्छे से पील करके ले लिया है, साथ ही स्टफिंग के लिए क्यूकम्बर, टमेटोज, अनियन, कोरिएंडर, नींबू एंड ग्रीन चटनी, सॉल्ट और थोड़ा सा चाट मसाला और नायलॉन से। तो ये इंग्रेडिएंट्स हमारे रेडी हैं, तो लेट्स स्टार्ट। तो इस रेसिपी के लिए अभी मैं सिर्फ 2 पोटैटोज़ यूज़ कर रही हूँ फॉर अ चाट डिश। तो मैंने अपने आलू को 2 पीसेस में कट कर लिया है और इसका जो अंदर का पार्ट है उसको स्कूप कर लिया है। और इसमें हमको बस मेक श्योर करना है कि जो हमारा विड्थ है वो मेंटेन्ड रहे। अगर ज़्यादा स्कूप आउट हो जाएगा तो ये चाट बनाने के टाइम पे टूट भी सकता है, तो बस उस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने दूसरा आलू भी अच्छे से स्कूप कर लिया है और इसी तरह मैंने अपने 2 आलू में से 4 पीसेस को रेडी कर लिया है। और ये जो अंदर का जो आलू जो हमने स्कूप किया था, इसको हम हमारी स्टफिंग के लिए यूज़ करेंगे। एंड इसमें हम डालेंगे क्यूकम्बर, अनियन, टमेटोज़, साथ ही जो ग्रीन चटनी मैंने जो घर पे प्रिपेयर करी थी वो, कोरिएंडर, सॉल्ट, थोड़ा सा चाट मसाला एंड नींबू। और ये सब के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और वाइल मिक्सिंग हम मिक्सर करेंगे कि जो आलू के पीसेस हमने जो इनिशियली डाले थे उसको हम अच्छे से मैश कर लें, ताकि जब हम इसको स्टफ़ करें तो यू नो इट इज़ बैलेंस्ड एंड इट्स प्रॉपर। तो अच्छे से हमने यहाँ पे मैश करके हमारी स्टफिंग जो है वो रेडी कर ली है एंड इट लुक्स लाइक दिस। सो अब हम ये स्टफिंग को जो मैंने आलू कट करके रखे थे उसमें फिल कर देंगे। इसको बहुत ही जनरस अमाउंट में फिल करना है, बिकॉज पूरा जो हमारा टेस्ट है इट्स गोइंग टू बी बेस्ड ऑन दिस स्टफिंग इटसेल्फ। तो अच्छे से मैंने इसको स्टफ़ कर दिया है एंड इसके बाद हम इसको ऊपर से टॉप करेंगे विथ द वेजिटेबल्स दैट वी सॉ अर्लियर, विच इज़। तो इसको मैं अभी टॉप करने वाली हूँ विथ सम अनियंस, साथ ही क्यूकम्बर एंड टमेटोज। एंड उसके साथ हम यहाँ पे जो ग्रीन चटनी मैंने जो प्रिपेयर करी थी घर पे वो भी ऐड कर देंगे, बिकॉज इट्स जस्ट गोइंग टू एनहांस योर फ्लेवर्स। एंड उसके साथ हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे एंड उसके बाद इसको टॉप करेंगे विथ लॉट्स ऑफ शेव, बिकॉज दैट इज़ द हार्ट ऑफ दिस रेसिपी। सो बहुत सारा सेव डालेंगे एंड साथ ही थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर डालेंगे। और आप चाहें तो यहाँ पे नींबू को भी स्क्वीज़ कर सकते हैं। एंड योर चाट रेसिपी चाट इज़ रेडी। इट इज़ वेरी डिलीशियस, सो प्लीज़ टू ट्राई दिस आउट। एंड इट्स अ वेरी यूनिक रेसिपी, सो वेन यू मेक इट पीपल विल रियली कॉम्प्लीमेंट यू एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। तो ये बहुत ही टेस्टी था, तो डू ट्राई इट आउट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।